नमस्कार दोस्तों, ओसियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अभी जो कुछ हुआ, यानी चंद्रमा की सतह पर जो हमारा चंद्रयान 3 उसकी सॉफ्ट लैंडिंग हुई, उसके बाद दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश बचा हो जिसके मीडिया हाउसेस में इसकी चर्चा ना हुई हो, इस पर डिबेट ना हुई हो और भारत की प्रशस्ति ना की गई हो। बहुत सारे ऐसे देश जो शायद भारत की प्रगति को, इस विकास यात्रा को ना पसंद करते हैं, उन्होंने भी इसकी प्रशस्ति की। एक आध देश को छोड़ दीजिए, इंग्लैंड के एक टेलीविज़न चैनल ने कुछ बकवास की, उसके एंकर ने कि साहब 70% लोगों के यहाँ शौचालय नहीं है, इतनी गरीबी है, फिर भी 625 करोड़ रुपया इस पर फूंक दिया। शायद वो पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। हकीकत ये है कि आज घर घर शौचालय बन चुके हैं। अभी IMF की, वर्ल्ड बैंक की, जो हमारा नीति आयोग है उसकी जो रिपोर्ट है वो बताती है कि गरीबी कितनी कम हुई है और लोगों का जीवन स्तर किस तरीके से ऊपर आ रहा है। लेकिन ये ऐसे लोगों की, ऐसे देशों की कुंठाएं हैं, कहीं ना कहीं से तो फ्रस्ट्रेशन निकलने हैं। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, उसको 3 दिन लग गए चंद्रयान 3 की कामयाब लैंडिंग की बधाई देने में। उसके बाद उन्होंने, उनके विदेश मंत्रालय ने इसको महान वैज्ञानिक उपलब्धि बताया। चीन का जो सरकारी भोंपू माना जाता है ग्लोबल टाइम्स, वो 2 दिन तक खामोशी अख्तियार किए रहा और उसके बाद तकनीक में चला गया कि हमारा तो रोवर इतना शक्तिशाली है, भारत का तो पिद्दा सा है, छोटा सा है, 25 किलो का ही है, मतलब आसानी से हजम नहीं हो रही है। हमारे कुछ जो प्रतिद्वंदी कह लीजिए, शत्रु देश कह लीजिए, या जो हमसे, हमारी तरक्की से ईर्ष्या करते हैं, ऐसे देशों की बात कर लीजिए। और उसके बाद चीन की तरफ से जो हिमाकत हुई है, हरकत हुई है, अक्साई चीन को अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे इलाकों को अपने नक्शे में दिखाना, इसी तरह की हरकत कुछ साल पहले उसने की थी, अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे जगहों के नाम बदल करके अपने हिसाब से। हमारे विदेश मंत्रालय ने उसका जवाब दिया है, हमारे विदेश मंत्री ने भी रिएक्ट किया है। ऐसे समय जबकि G20 सम्मेलन बिल्कुल सामने है और अभी ब्रिक्स देशों का सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में होकर के निपटा है, जहां चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में हल्की फुल्की बातचीत भी हुई है, कर्टसी कॉल कह लीजिए, क्योंकि G20 में उनको भी आना है दिल्ली, तो इसे उसी रूप में लिया जाना चाहिए। लेकिन G20 समिट से ठीक पहले ये हिमाकत करने का मतलब क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। चीन के पेट में ये रह रह करके मरोड़ क्यों उठती है, ये समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जाने माने रक्षा सुरक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, और वार सिचुएशंस हो, काउंटर टेररिज्म हो, उनमें बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं देने वाले, अमेरिका से काउंटर टेररिज्म की ट्रेनिंग लेने वाले मेजर जनरल अश्वनी शिवाज सर जुड़ गए हैं। शिवाज सर, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। शिवाज सर, जब जब भारत कोई कीर्ति पताका फहराता है किसी भी क्षेत्र में, हमारे पड़ोसियों को हजम नहीं होता? हाँ बिल्कुल, देखो चौधरी साहब, इसमें कोई शक नहीं कि अब अगर आप चाइना की बात कर रहे हैं, इसमें कोई नहीं। आज चाइना के हालात देखें, उनका इन्फ्लेशन रेट वन ऑफ द हाईएस्ट है जो इनका अभी तक हुआ नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेंज बहुत बढ़ गई है, इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही, डीकपलिंग हो रही है सप्लाई चेन की, स्पेशली आपका ये माइक्रोचिप्स और सेमीकंडक्टर हैं, उसके बाद काफ़ी सप्लाई चेंज वहाँ से मूव कर गई हैं, जो कि इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत में आ रही है, और ऐसे में एक रिसेशन का माहौल पैदा हो रखा है चीन के अंदर।
और चीन के अंदर आज सी जिनपिंग जो अपने आप को इतना समझते थे जो कंट्रोल में सिचुएशन, वो ऐसा लगता नहीं। और यही सच्चाई है कि आज उनको जब से भारत का चंद्रयान 3 जो कि साउथ पोल में मून पे लैंड किया है, उसको ऐसा लगता है चीन और पाकिस्तान के ऊपर सांप लौट गया। वो कैसे किस हिसाब से भारत की प्रेज करें, और ये एक ऐसी जगह है चंद्रयान 3 की बात बताने पहले कि यहाँ पर पहला देश है जो कि साउथ पोल में किया है, और हमारा साथ ही बिल्कुल नजदीक जो रूस ने एक प्रकार कोशिश की, दुख की बात है वो कोशिश सक्सेसफुल नहीं हुई, मगर वो जाहिर करता दर्शाता है कि भारत का अब साइंटिफिक रिसर्च और स्पेशली एयर स्पेस में कहाँ पहुंच गया। तो ये सच्चाई है कि जो अब चीन ने जो हरकतें कर रहा है वो चीन की पुरानी आदत है, कोई नई तो है नहीं, कि इसने जिस प्रकार से ये एक मैप अभी ऑफिशियल मैप 2023 के नाम पे निकाला है, ये पहले भी करता रहा है। और यही नहीं कि भारत के अरुणाचल प्रदेश को वो अपना साउथ टिबेट बताता है, अक्साई चीन को अपना इलाका बताता है, और इसके साथ साथ जो कि उसने ताइवान को भी अपना हिस्सा बताया है, साउथ चाइना सी के अंदर 9-line को मद्देनजर रखते हुए उसने ऑलमोस्ट 70-80% एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अपने नाम किया है। तो ये ऐसे करने से कोई ग्राउंड पे सिचुएशन तो चेंज होने वाली नहीं, जैसे डॉक्टर एस जयशंकर ने बताया है, मगर ये दिखलाता है कि आज चीन की मंशा क्या है और चीन ये क्यों कर रहा है, इसकी वजह क्या है, ये हम और आप डिस्कस करेंगे जब आप आगे क्वेश्चन पूछते हैं। मगर चीन एक ऐसा देश है जो कि ऊपर आप विश्वास नहीं कर सकते, आप कभी ये नहीं कर सकते कि चीन के साथ रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं, चीन आपको कभी भी धोखा दे सकता है। चौधरी साहब, शिवाज सर, अगला सवाल मेरा है भी यही कि चीन ये हरकतें आखिर करता क्यों है, उसको इसका फायदा क्या है, क्योंकि जिस तरह के हमारे उसके साथ व्यापारिक रिश्ते रहे हैं और जितना बड़े पैमाने पर हम चीन से आयात करते रहे हैं, गलवान घाटी में जो कुछ हुआ है, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ, उससे पहले 2017 में डोकलाम में जो हुआ, उससे तो चीन ने कुछ खोया ही होगा, पाया क्या है? हाँ, बात तो आपकी ठीक है। देखो, सच्चाई है कि भारत और चीन का ट्रेड बढ़ा नहीं है, कम नहीं हुआ है 2017 के बाद भी, जबकि डोकलाम हुआ। और चीन का अगर आप देखें इंपोर्ट, भारत ऑलमोस्ट 2/3 कर रहा है और एटलीस्ट 40% के करीब ज़्यादा है, जिसमें जो चीन है वो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता भारत में, और जो ट्रेड डेफिसिट है और वो बढ़ता ही गया है। वो अलग बात है, भारत ने कुछ एक उसके ऐप्स को बैन किया 200 से ज़्यादा, क्योंकि हम दोनों WTO के मेंबर हैं तो इतनी जल्दी ट्रेड कम नहीं कर सकते, मगर मुझे लगता है आने वाले समय में अगर चीन ने की हरकतें ऐसी रही तो शायद भारत को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मगर ये 2-4 बातें हैं कि अब उसने किया तो क्यों किया, मुझे लगता है कि ये सच्चाई है, क्योंकि G20 की मीटिंग होने वाली है और उसको ये नजर आ रहा है कि जिस प्रकार से भारत ने G20 की मीटिंग का जो जाल बिछाया है, पूरे साल में कम से कम 70-80 मीटिंग कराई है 50-60 के इलाकों में, और अलग अलग टूरिज्म भी कराई, इकोनॉमी की भी कराई, उसके बाद कल्चरल की भी कराई, साइंस की भी कराई, हेल्थ की भी कराई, और ये पहला देश है जिसने पूरा का पूरा अपना पूरा इंडिया को एक प्रकार से दिखाया है, शोकेस किया है, और हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है। तो वो भी उसको सहन नहीं हो रहा चीन को कि भारत ने किस प्रकार से एक प्रोफेशनल देश के तौर पे आपने G20 किया है। अब वो कहीं ना कहीं भारत को एम्बेरस करना चाहता है, भारत को बैकफुट पे डालना चाहता है G20 की मीटिंग से पहले, मुझे लगता है ऐसा ही कुछ उसके इरादे हो सकते हैं। और इसके साथ साथ वो कहीं जब उसको पता है अमेरिका भी वहां पर होगा और बाकी जो डेवलप्ड कंट्री जो G7 है वो भी होंगे, क्योंकि G20 के मेंबर हैं, तो वहां कहीं ना कहीं एशियन कंट्री भी होंगे, जिस प्रकार से इंडोनेशिया वगैरह है, वो साउथ चाइना सी भी उसने अपने एक 80% एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दिखाया है। तो मुझे लगता है ये सोची समझी साजिश है, चीन कोई काम बिना सोचे समझे नहीं करता, और ये नहीं कह सकते कि क्योंकि ये पहले भी करता रहा है, शायद
इसने करने से कोई ग्राउंड की हकीकत तो चेंज नहीं होती। हाँ, ग्राउंड की हकीकत तो चेंज नहीं होगी, मगर ये आपको एम्बेरस करने का एक तरीका है, आपको बैकफुट में डालने का, वो अलग बात है। भारत इसमें नहीं आने वाला, भारत एक बहुत ही आगे बढ़ चुका है और भारत एक इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, मिलिट्री स्ट्रांग है, और भारत इसका जवाब भी बहुत अच्छा देगा ग्राउंड पे। चौधरी साहब, शिवाज साहब, मैं खबर पढ़ रहा हूँ, इसरो ने ये जारी की है और बहुत बड़ी कामयाबी, पहली का बड़ी कामयाबी तो यही है कि जिस दक्षिण ध्रुव पर आज तक कोई देश उतर ही नहीं पाया, यानी अमेरिका, रूस और चीन जो हमसे पहले चंद्रमा के तल पर उतरे हैं, वो दक्षिण ध्रुव पर तो उतर ही नहीं पाए। और ये जो हमारा मिशन है, ये एक्चुअल में बहुत विशेषता लिए हुए है कि दक्षिण ध्रुव पर बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। और आज जो जानकारी दी है इसरो ने, उसका कहना ये है कि चंद्रमा पर प्रज्ञान रोवर ने ऑक्सीजन ढूंढ ली है। इसके अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, ये सब भी वहाँ पर ढूंढ लिया है। और चंद्रमा की जो सरफेस है उस पर जिस तरीके से मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन ढूंढी है, और हाइड्रोजन की अभी भी वो खोज कर रहा है, ये तो बहुत बड़ी खबर है दुनिया के लिए। और शायद ये जो कामयाबी है भारत की, यही ये जो ईर्ष्या का भाव है, ये जो जलन का भाव है, ये पैदा करता है। 100% बिल्कुल सच बोला आपने, ये सच्चाई है कि जो साउथ पोल का हिस्सा है चीन मून का, उसके अंदर कुछ एक खसूसियत है। एक तो वो इलाका सूरज की रोशनी ज़्यादा नहीं पड़ती, उसके अंदर -300 से -400 टेम्परेचर है, और बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स हैं वहाँ पर, 3 किलोमीटर डूंगे। और वहाँ पर ये भी सच्चाई है कि वाटर कंडेंस फॉर्म में होने के चांसेस बहुत है, क्योंकि चंद्रयान एक ने भी उसको देखा था। अभी तक चंद्रयान 3 मेरे को लगता है उसकी एक्सप्लोरेशन कर रहा है, क्योंकि अगर वो पानी मिलता है जिसके अंदर H2O है, हाइड्रोजन भी मिलेगी, उसके अंदर ऑक्सीजन भी मिलेगी, और उसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ऑक्सीजन जब मिली है तो वाकई कहीं ना कहीं, जी जी अपनी बात पूरी करिए, हाँ, क्योंकि अगर ये वहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिली है तो मुझे लगता है पानी भी मिलेगा, H2O का होना बहुत जरूरी है। और सच्चाई यह है कि अगर आप देखें जिस प्रकार से वहां पर ये सोचा गया था, ये मिनरल्स, क्योंकि -300 -400 तक टेम्परेचर पहुंचता है, तो ये मिनरल्स के होने के ज्यादा चांसेस हैं, जो चाहे आपके सिलिकॉन भी है, आपका आपका एक कॉपर भी है, जिंक भी है, और आपका यूरेनियम भी हो सकता है, ये भी सोचा गया था। क्योंकि वहां पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से चैलेंजिंग था वहां पर लैंड करना, और वहां पर ये भी सुनने में आया कि जो ग्रेविटी है वो भी डिफर करती है, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। और वो वहां पर स्मूथ ग्राउंड नहीं है, वहां पर लैंड करना बहुत ही मुश्किल था, और भारत ने किया, मगर एक्सप्लोरेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उससे अच्छा इलाका कोई नहीं हो सकता। आप जो भी खोज करेंगे एक प्रकार माइलस्टोन होगा। ये खोज ये बार बार भारत ने बताया कि ये भारत की नहीं खोज, ये ह्यूमैनिटी की खोज है। देखो जैसे नील आर्मस्ट्रांग पहुंचा था 1969 में, पहला ह्यूमन बीइंग था जब वो मून की सतह पे उतरा था अपोलो 11 पे, तो उसने बोला था इट इज अ स्मॉल स्टेप फॉर मैन बट इट्स अ लीप फॉरवर्ड फॉर ह्यूमन काइंड। तो ये सच्चाई है, ये एक छोटा एक प्रकार से स्टेप है एक इंसान के लिए, पर इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी लीप है। और इसी प्रकार से भारत का नजरिया रहा है, भारत ने कहा कि हम वहां इसलिए गए हैं कि वहां पर बहुत कुछ मिल सकता है, आगे अगर एक्सप्लोरेशन करनी है आपने, आगे आपने स्पेस के लिए मार्स में जाना है, तो वहां का इस्तेमाल एक स्टेजिंग कैंप भी बन सकता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिलने के बाद हम फ्यूल भी बना सकते हैं, और मुझे लगता है उसी के तहत काम कर रहे हैं। और ये जो प्रशंसा होनी चाहिए जिसको नासा कर रहा है, यूरोप के सारे हैं, कहीं ना कहीं चीन ऐसा लग रहा है उसको बहुत ही मुश्किल है डाइजेस्ट करना भारत की इस सफलता का। पाकिस्तान को तो वैसे कोई पूछता नहीं है, पाकिस्तान की तो कोई अहमियत नहीं है, मगर चीन
जो एक हमारा चैलेंजर है, कंपिटेटर है, अब वो भी बहुत पीछे रह गया है, क्योंकि वो तो कभी उसने तो ट्राई नहीं किया साउथ पोल में, बहुत मुश्किल है। देखो रूस ने ट्राई किया, और रूस एक ऐसा देश है जिसका सबसे पहले ह्यूमन बीइंग को उसने स्पेस पे उतारा था, और फिर वुमेन को भी सबसे पहले उतारा स्पेस पे, और आज उसका लूनर 25 फेल हो गया, क्योंकि चैलेंज है, और आज वहीं पर भारत सक्सेसफुल है। तो क्या दिखलाता है कि भारत बहुत आगे पहुंच गया स्पेस एक्सप्लोरेशन में, इसरो ने वो करके दिखाया जो कि हम सपने में नहीं सोचते थे। तो ये सच्चाई है, चीन कैसे कहे कि भारत हमसे आगे निकल गया, तो ये सच्चाई है। चीन को धक्का लगा है, और चीन जो है ये जो हरकतें कर रहा है G20 की मीटिंग से, और मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ, G20 बहुत देशों ने किया, हमारे से पहले इंडोनेशिया ने किया, बाली में था, मगर ऐसा किसी ने नहीं किया जब पूरा देश के अंदर आप 50 से 60 मीटिंग करते हो, हर पहलू को आपने देखा, क्लाइमेट को भी, हेल्थ को भी, टेक्नोलॉजी को भी, साइंस को भी देखा आपने, और आप एक ऐसी कर रहे हो कि आज आप जो ग्लोबल साउथ की वॉइस बन के निकले, आप ग्लोबल साउथ की आवाज हो, आज आपने अफ्रीकन यूनियन को भी इनवाइट किया एज ए स्पेशल इनवाइटी। तो ये सच्चाई है, कहीं ना कहीं चीन से ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा भारत देश की तरक्की, और इसीलिए वो G20 की मीटिंग से पहले इस समय जो 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 छोटापन है उसका एहसास करा रहा है कि कैसा छोटापन है चीन, और वो किसी हद तक जा सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि चीन पे कभी भरोसा मत करो, किसी और पे, दुश्मन पे भरोसा कर सकते हो, मगर चीन पे भरोसा करना बहुत खतरा हो सकता है। चौधरी साहब, शिवाज साहब, भारत विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हुआ, ब्रिटेन को पीछे धकेल करके हम 5वें स्थान पर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑलरेडी 2047 तक भारत को विकसित देशों की 5 में खड़ा करने का अपना संकल्प व्यक्त कर चुके हैं। उसके लिए सबका उन्होंने आह्वान भी किया है कि सबके प्रयासों से ये होगा। इसके अलावा जिस तरीके से अब ये चंद्र मिशन हमारा कामयाब हुआ है, इसके अलावा G20 सम्मेलन दिल्ली में हो रहा है, जिसमें जो 20 G20 के देश हैं वो तो आ ही रहे हैं, विशेष आमंत्रित भी कई देश यहाँ पर आ रहे हैं, और भारत के बारे में जिस तरह के दुष्प्रचार, जिस तरह की चीज़ें, सपेरों का देश है, बंजारों का देश है, वो भारत आज अगर बहुत तेज़ी से विश्व में एक ताकत के तौर पर उभर रहा है, और जिस तरह के हमारे जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर बना है, ये तो दुनिया के 10 श्रेष्ठ कन्वेंशन सेंटर्स में से एक बना है, तो ये जो बदलाव दिखाई दे रहे हैं पूरी दुनिया को, और जिस तरह का सम्मान बढ़ रहा है, अमेरिका हो, जापान हो, आपका फ्रांस हो, UAE हो, बहुत सारे देशों में, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह भारत का सम्मान हो रहा है, ये भी चीन के किलसने की वजह है। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आपने चौधरी साहब, इसमें कोई शक नहीं, भारत बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है हर एक स्फीयर में। आपने ठीक बोला, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, $3.8 trillion की है, अगले 3-4 साल के अंदर ये 3rd लार्जेस्ट बन जाएगी 2027 तक, और जब ये जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ जाएगी, और फिर करीब करीब $10 trillion की हो जाएगी, और 2047 तक भारत एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा, इसमें कोई शक नहीं। बनिस्पत हम 7-8% ग्रो करें, और ग्रो अब रोड मैप जो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डायनेमिक लीडरशिप के तहत लगाया है, अगर हम उसी तरफ चलते रहे सिंगल माइंडेड, तो इसमें कोई शक नहीं कि हम नहीं पहुंच पाएंगे। हमने वो कर दिखाया, किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत कर सकता है, और भारत की जो डेवलपमेंट है वो 360 डिग्री है, ये डेवलपमेंट कोई एक ही डेवलपमेंट नहीं है, हमारी जो है कंज्यूमर मार्केट भी है, हमारी जो सर्विस भी है, हमारी अब डिफेंस का इक्विपमेंट भी खुद बनाने लगे, ये कहना कि भी हो सकता है कि टूरिज्म पे ही आपकी इंडस्ट्री, आपकी इकोनॉमी बेस थी वो फेल हो जाएगी, इसमें हमारी जो इकोनॉमी है वो 360 डिग्री है, इसीलिए भारत अच्छा कर रहा है। भारत की एक यंग एज प्रोफाइल है,
30-35 साल से पॉपुलेशन जो है वो करीब करीब 40-50 है, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ओवरऑल जिस प्रकार से हम आज बढ़ रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, आज गौरव की बात है। और आप जब अच्छा करते हैं तो हर स्फीयर में अच्छा करते हैं, आप स्पोर्ट्स में भी अच्छा कर रहे हैं, एथलेटिक्स में भी अच्छा कर रहे हैं, आप साइंस में भी अच्छा कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमी भी अच्छी है, आज आपकी मिलिट्री पावर भी बहुत स्ट्रांग है, फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री पावर है, उसमें भी मॉडर्नाइजेशन है। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से आज हम जा रहे हैं और जिस प्रकार से हमें एक प्रकार से डायनेमिक लीडरशिप मिली है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, इस गवर्नमेंट ने 10 साल में जो भारत को कहां से कहां ले गया, अगर यही स्पीड रही, यही फोकस रहा, इसी तरीके से हम चलते रहे, तो मुझे शक बिल्कुल नहीं है कि 2047 तक भारत एक डेवलप्ड कंट्री बनेगा। आज से 20-25 साल पहले सोच भी नहीं सकता था कि भारत जैसा देश एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है, आज हमने वो करके दिखाया। किसी ने सोच भी नहीं सकता था कि भारत एक चंद्रयान 3 जैसा स्पेस में मिशन भेज सकता, वो भी उस इलाके में जो दूसरे देशों ने वेंचर नहीं किया, वो भारत ने कर दिखाया। तो भारत अब बहुत कुछ ऐसी चीजें करेगा जो संसार में किसी ने नहीं की, और ये नासा ने देखो एक प्रकार से इसको एक्सेप्ट किया है कि हम सीखेंगे जो इसरो ने किया और हम इनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो ये है आज की तारीख में भारतवर्ष का असली चेहरा, कि भारतवर्ष जो डेवलपमेंट है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट है, इसीलिए ये डेवलपमेंट जो है ये बहुत सक्रिय है। चौधरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद। सियाज सर, आपने ओशियन नेटवर्क के लिए इतना महत्वपूर्ण समय निकाला अपना और कई अहम विषयों पर आपने अपने विचार रखे। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद। थैंक यू सर।